हेलो दोस्तों, मैं पारुल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हैविट ऑल पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। किसी भी चिड़िया को डायबिटीज नहीं होता, किसी भी बंदर को हार्ट अटैक नहीं आता। हम सब जानते हैं कि बंदर और मनुष्य के शरीर की संरचना एक है, सिर्फ पूंछ का फर्क है, बाकी सब एक सा है। लीवर, किडनी, हार्ट सब कुछ एक जैसा, लेकिन बंदर कभी बीमार नहीं होता और दूसरी तरफ मनुष्य रोगों से घिरा रहता है। ये बात का रहस्य जानने के लिए मेडिकल साइंस के एक वैज्ञानिक ने बंदर पे 15-16 साल तक एक एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि उन्होंने कहीं सुना था कि बंदर कभी बीमार नहीं होता और अगर बीमार हो गया तो पक्का मर जाएगा। उन्होंने एक प्रयोग किया जिसमें वो बंदर को बीमार करना चाहते थे और बंदर को बीमार करने के लिए उन्होंने कभी इंजेक्शन के माध्यम से, कभी किसी अन्य माध्यम से तरह तरह के वायरस और बैक्टीरिया बंदर को देना शुरू किया। अब वो कहते हैं कि मैं 15 साल इस प्रयोग में असफल रहा, लेकिन बंदर बीमार नहीं हुआ, बंदर को कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने बहुत कोशिश किया कि बंदर का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा दिया जाए, लेकिन बढ़ता ही नहीं था, क्योंकि बंदर के खून का आरएच फैक्टर बहुत आदर्श होता है। जब आप डॉक्टर से खून जांच करवाने जाते हैं तो डॉक्टर आपके खून के आरएच फैक्टर को बंदर के खून के आरएच फैक्टर से कंपेयर करते हैं। वो ये बात आपको नहीं बताते हैं। बंदर के आरएच फैक्टर के आदर्श होने का कारण और कभी बीमार न होने का कारण यह है कि वह सुबह भरपेट खाता है। यही कारण है कि ब्लड प्रेशर कभी बढ़ता नहीं, मोटापा आता नहीं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता नहीं और डायबिटीज नहीं होती। आज मनुष्य का बीमार होने का कारण यही है कि वो सुबह भर पेट खाना नहीं खाता। जब से मनुष्य इस ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के चक्कर में फंसा है, तब से मनुष्य ज्यादा बीमार रहने लगा है। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। फिर मिलेंगे कुछ नए वीडियो के साथ।